नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? का सत्र 2020-21 में बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अपना यह समय नई चीज़ों को सीखने में व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए अब हम एक नया विषय समझते हैं और आज का विषय है भाषा। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव एवं विचार ग्रहण करता अर्थात समझता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। लिपि। चलिए अब हम समझते हैं कि लिपि क्या है। किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। भाषा और लिपि। भाषा पंजाबी और उसकी लिखित लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेजी, रोमन, मराठी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, इसी तरह हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है। आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।